हेलो स्टूडेंट्स, तो ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग आज दूसरा लेसन स्टार्ट करते हैं। पहले लेसन में हम लोग एग्जांपल टू तक किए थे, अब एग्जांपल नंबर थ्री से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर थ्री क्या है बच्चों? इन ट्रायंगल ओपीक्यू राइट एंगल एट पी, बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल है ओपीक्यू, और राइट एंगल किस पे एंगल? पी पे। ओपी कितना है? 7 सेंटीमीटर, एंड ओपी माइनस ओक्यू कितना? 1। तो राइट ट्रायंगल बना लो। पहले मान लो ये ट्रायंगल है आपका, ए ले लो आप ट्रायंगल, ओके बच्चों। कौन सा ट्रायंगल बच्चों? ओ पी क्यू, ओ रुक जाओ यहां से ले लो, ओ बताता हूं क्यों किया है सबने। ओ पी क्यू, चूंकि यहां ओ पी क्या है? 7 सेंटीमीटर, तो 7 ये है इसलिए दिया। और ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना बच्चों? 1। तो अगर ये आपका ओ क्यू है तो बच्चों ये ओ क्यू है, या आप सबसे ये सोचो, अगर ये मान लो पी क्यू है तो ओ क्यू कितना होगा? मान लो ये आपका ओ क्यू है तो पी क्यू कितना होगा, या पी क्यू अगर है तो ओ क्यू कितना होगा? अगर मैं ओ क्यू लिखना चाहूँ पी क्यू के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस पी क्यू होगा बच्चों। कैसे? इसको तो भेज दिया, तो यहां लिख दो OQ is equal to solution। पहले OQ is equal to क्या हो जाए? 1 प्लस PQ। ओके, नाउ ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल OPQ। तो क्या होगा बच्चों? OQ square is equal to पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओके बच्चों, जहाँ तक क्वेश्चन, और क्या फाइंड क्या करना था? साइन क्यू और कॉस क्यू फाइंड करना है। उसके लिए हमें पहले इनकी वैल्यू चाहिए, फिर करते हैं। और क्या ओ क्यू कितना है बच्चों? ओ क्यू 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, तो पी क्यू है बच्चों पी क्यू स्क्वायर, एंड ओ पी कितना है बच्चों? 7, तो 7 स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 49। ओके, गॉट इट? नाउ यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ भी पी क्यू स्क्वायर इस साइड भी है और इस साइड भी है, कैंसिल आउट। कैसे? अगर उधर ले जाओ उसको, माइनस पी क्यू स्क्वायर होगा कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 2 पी क्यू इक्वल टू क्या मिला? इसको उधर ले जाओ बच्चों, 49 माइनस 1 कितना मिला? 48। तो पी क्यू कितना मिला बच्चों आपका? 48 डिवाइड बाई 2 कितना? 24। तो बच्चों पी क्यू मिल गया हमारा ये 24, कितना मिला बच्चों? 24। कहाँ से? बाई कैलकुलेशन। तो ओ क्यू कितना होगा? ये 1 प्लस 24 कितना है? 25। पी क्यू मिल गया, ओ क्यू फाइंड कर सकते हो, लिख दो ओ क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25। कैसे आया मैं बता दिया आपको। नाउ अब क्वेश्चन पूछा है साइन थीटा और साइन क्यू और कॉस क्यू। ध्यान से बच्चों, गलती मत करना। अगर इस एंगल के लिए बात करेंगे तो इसके लिए ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेनस। बट बात किया है क्यू एंगल किस पे? क्यू पे। नहीं ध्यान देते बच्चों इस पे, आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्यू की बात कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है वो, इसकी, ये इस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है ये। इसके लिए बच्चों ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा? बेस। ये क्या? हाइपोटेनस। तो बच्चों जो पूछ रहा है वो निकालते हैं अब। चलो, तो पूछा क्या है? साइन क्यू। साइन क्यू के लिए बच्चों, इसके लिए ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन क्यू। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 7 अपॉन 25। ऐसे ही कॉस क्यू कितना होगा बच्चों? कॉस किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या होगा यहाँ पे? 24 अपॉन 24। अगेन दोबारा मैं कन्फ्यूजन मत क्रिएट करो बच्चों, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि
साइन क्यू की बात कर रहा है, इसके लिए क्या होगा आपका, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। ओके तो साइन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस 7/25 एंड कॉस क्यू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस 24/25। बस यही छोटे से मिस्टेक करते हैं, मैं बार बार इसलिए ध्यान देना दिला रहा हूँ आपका इस पे। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज पे, एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज नंबर 8.1 स्टार्ट करते हैं बच्चों। 8.1 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। चलो तो पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, एबी इज इक्वल टू 24, बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन पहला साइन ए कॉस ए, दूसरा साइन सी कॉस सी। तो हमारा एक्सरसाइज कौन सा, 8.1, अगर पेज नंबर देखना तो 181। एक्सरसाइज कौन सा है, 8.1। तो पहला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल है बच्चों और राइट एंगल किस पे है, बी पे। अब ए बी सी मान लो किसी को, हाँ ए बी सी इसको मिला दो आप, तो दिया है इसमें ए बी 24 और बी सी 7। ओके और पहला क्वेश्चन पार्ट इसका, पहले का पहला पार्ट है, फाइंड करना है साइन ए फाइंड करना है कॉमा कॉस ए, और इसका दूसरा पार्ट है बच्चों साइन सी एंड कॉस सी। यहाँ से आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। ओके जो प्रीवियस मैं बताना चाह रहा बार बार, तो अब साइन क्या, साइन ए किसके कुल होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर पता है बट हाइपोटेनस नहीं पता है, पहले हम लोग ए सी फाइंड करेंगे, ए सी यहाँ पर कर लेते हैं। तो बच्चों ए सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, अंदर मिला बच्चों 576 प्लस 49, 24 का स्क्वायर बच्चों 576 होता है, इसको प्लस किया तो क्या है 625, कितना है 625, और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 25। तो ए सी कितना मिला हमारा 25, ये आपका 25 का है। अब बाकी गेम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट में किस एंगल की बात कर रहा है, एंगल ए की बात कर रहा है, साइन ए। तो इसके लिए बच्चों ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस। ओके तो पहला पार्ट करते हैं, पहला का साइन ए, साइन ए किसके कुल होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 7/25। कॉस ए कितना होगा बच्चों, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस 24/25। सेकेंड पार्ट इसका, पहले साइन सी पूछा है, अब आया दूसरा जो बता रहा हूँ आपको, साइन सी पूछ रहा है, साइन क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो गलती से भी सेम मत लिखना, अब इस एंगल की बात कर रहा है, इसकी किसकी, इसकी, इसके लिए ये क्या है परपेंडिकुलर है, इसके लिए परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस। तो साइन सी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 24/25 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंड कॉस सी कितना होगा, अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनस 7/25। एंगल चेंज किया तो बच्चों रेशियो चेंज हो गया, देखो साइन का कॉस चला गया, कॉस का साइन चला गया। ओके पहला पार्ट, दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों इसमें, हाँ इसमें फिगर दिया है, एक फिगर दिया है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा बच्चों, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, फिगर बना देना आपके लिए, दिस वन इज योर फिगर, दिस इज योर फिगर। ओके एंड दिस साइड इज 13 सेंटीमीटर एंड दिस 12 सेंटीमीटर, नाम है बच्चों पी क्यू आर। तो इसमें दिया है, पूछ रहा है टेन पी माइनस कॉट और कितना होगा,
टेन पी पूछ रहा है बच्चों, टेन पी माइनस कॉट आर क्या होगा? इजी क्वेश्चन ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो बच्चों टेन पी ध्यान से, इस एंगल की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है टेन पी, तो इसके लिए बच्चों ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, ये हाइपोटेनस। तो पहले हमें ये फाइंड करना है क्या, क्योंकि परपेंडिकुलर पर बेस तो हमें क्यू आर चाहिए। तो बच्चों ध्यान से इसमें ये क्या, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके चाहिए क्या आपको, हमें चाहिए क्यू आर, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू या क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस क्या पी क्यू स्क्वायर। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर तो कर दो, पी आर आपका दिया है 13, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू आपका दिया है 12, 12 का स्क्वायर। बच्चों 13 का स्क्वायर कितना, 169 माइनस 144, इसको माइनस किया 25 पाया, तो हमारा क्यू आर क्या मिला बच्चों, 5। क्यू आर क्या मिला बच्चों, 5। ये क्या है आप कितना है, 5। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, टेन पी, पहले टेन पी क्या होगा बच्चों, टेन पी, टेन पी इसके लिए बच्चों परपेंडिकुलर ये तो 5, परपेंडिकुलर पर बेस होता है तो 5/12। सिमिलरली कॉट आर, कॉट आर अब इसके लिए बात कर रहा है, इसके लिए कॉट आर, इसके लिए बच्चों परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो कितना जाएगा 12/5। अब जो पूछ रहा है पुट कर दो, तो टेन पी माइनस कॉट आर इक्वल टू यहाँ लिखते हैं, टेन पी कितना है 5/12 प्लस कॉट आर 12/5, सॉल्व करो, एलसीएम कितना है बच्चों 60, यहाँ 25, यहाँ पे 144 किया है, तो यहाँ 169/60 ये रहा आंसर, टेन पी माइनस कॉट आर का आंसर क्या है बच्चों, यहाँ पे ये 169/60। ओके क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 मूव करते हैं, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो बच्चों क्वेश्चन दीजिए है, फटाफट करते हैं लेकिन। ओके क्वेश्चन नंबर 3 अब थोड़ा फास्ट करते हैं, इफ क्या है साइन ए इक्वल टू कितना दिया है बच्चों 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, कॉस ए और टेन ए, कॉस ए क्वेश्चन मार्क एंड टेन ए क्वेश्चन मार्क, अगेन राइट एंगल ट्रायंगल बनाते बच्चों। ओके साइन ए दिया है, एंगल ए इसको ले लो आप, इसको बी सी, साइन ए इक्वल टू 3/4, तो साइन होता क्या बच्चों, साइन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या आपको 3, हाइपोटेनस कितना है 4। ओके अब कॉस ए पूछ रहा है, कॉस ए होता क्या बच्चों, कॉस ए ए बेस अपन हाइपोटेनस यानी ए बी अपन क्या ए सी, ए सी तो पता है ए बी नहीं पता, ए बी निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बच्चों अंडर रूट 16 माइनस 9 तो अंडर रूट 7 आया, ये कितना है अंडर रूट 7, ये आपका अंडर रूट 7 है। ओके बाकी सब इजी हो गया आपको, तो कॉस ए क्या हो गया बच्चों ए बी अपन ए सी, ए बी अपन अंडर रूट 7/4। और नेक्स्ट क्या है टेन ए बच्चों, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो टेन ए इसके लिए परपेंडिकुलर है 3/√7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4th क्या दिया है देखो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों गिवन है 15 cot a इक्वल टू 8 क्या है, 15 cot a इक्वल टू 8 गिवन है, फाइंड द साइन ए एंड sec a, क्या करना है साइन ए पूछ रहा है आपसे और sec a पूछ रहा है। ओके गाइस तो फिर अगेन यहाँ से थोड़ा इसको मॉडिफाई करो, तो कॉट ए इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों 8/3
15. कॉट किसके इक्वल होता है बच्चों? बेस अपन परपेंडिकुलर. यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाओ, ए है, इसको ए बी सी मान लो, इसको ए, इसको बी, इसको सी. बच्चों कॉट क्या होता है? बेस अपन परपेंडिकुलर, मतलब बेस के यहाँ पे 8, परपेंडिकुलर क्या है 15. ये चाहिए आपको. तो ये कैसे निकालो बच्चों? वही ए सी इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर. ओके, किसके इक्वल है? 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 64. 15 का स्क्वायर कितना? 225. 225 प्लस 64 कितना होगा? कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे. यहाँ ए सी फाइंड कर लो. ए सी इक्वल टू अंडर रूट 64 प्लस 125. बच्चों सम कितना आया? 5 प्लस 4 9 एंड मैं यहाँ पे कितना आया? 6 प्लस 2 8 यहाँ पे 9. तो 189 किसका स्क्वायर रूट था? किसी को होता है? सॉरी 15 का स्क्वायर बच्चों कितना था? 225 होता. सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 225. और 225 प्लस किया तो कितना आया? 289 आएगा. और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों? 17 का होता है. किसका? 17 का. ओके नाउ अब आराम से फाइंड कर सकते हो. तो साइन ए कितना होगा? साइन ए, साइन किसके इक्वल होता है बच्चों? अब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? 15. और हाइपोटेनस कितना है आपका? 17 है. अभी सिमिलरली सेक ए क्या होता है आपका? सेक किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों? सेक कॉस का होता है. या कॉस कॉस होता है बेस अपन हाइपोटेनस. तो तुम्हारा सेक कितना हो जाएगा आपका? हाइपोटेनस अपन बेस. तो हाइपोटेनस कितना है बच्चों? 17. और बेस कितना है आपका? कितना? 8. ये रहा आंसर आपका. क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है बच्चों sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 है. sec थीटा इज इक्वल टू 13/12. इसमें पूछा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो. जैसा मैं पहला एग्जांपल कराया था वही सेम है. तो sec थीटा दिया है तो एक ट्रायंगल ले लो बच्चों. मान लो ए बी सी, लेट ट्रायंगल ए बी सी. एंगल ए को आप थीटा मान लो. ओके और सेक किसके इक्वल होता है बच्चों? सेक. सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस. कॉस इक्वल टू क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनस. तो हाइपोटेनस अपन क्या हो जाएगा? बेस. तो बच्चों इसका हाइपोटेनस कितना दिया है? 13. और बेस कितना दिया है? 12. हमें चाहिए परपेंडिकुलर बी सी. तो पहले बी सी फाइंड करते हैं बच्चों. BC सी इक्वल टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करो बच्चों. यहाँ पर आएगा 25. आप कर लेना ये आपको 5 आया. तो BC कितना आया आपका? 5. अब बाकी सॉल्व करते फटाफट. तो साइन थीटा क्या हो जाए बच्चों? साइन थीटा. साइन किसके इक्वल होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर कितना है? 5. हाइपोटेनस 30. कॉस थीटा. कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों? बेस अपन हाइपोटेनस 12/13. कॉस के बाद 10. 10 थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपन बेस. यहाँ परपेंडिकुलर क्या है आपका? 5. और बेस क्या है? 12. नाउ नेक्स्ट क्या आता है? 10. कॉट आता है. कॉट बच्चों 10 का रेसिप्रोकल 12/5. टाइम नहीं वेस्ट करना है. सेक थीटा उसके बाद सेक तो गिवन ही है 13/12. बच्चों कॉस थीटा यहाँ लिख दो. कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? सेक का रेसिप्रोकल कर दो आप. सॉरी देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक कर लो आप. कॉस सेक थीटा क्या होता है बच्चों? साइन का रेसिप्रोकल मीन्स 13/5. ये रहा क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों था? ये 5 क्वेश्चन सुनो क्या. नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फिलहाल ज्यादा नोट करिए. तो क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चों. हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. यहाँ पे ट्रायंगल कैसा नहीं बताया है. एंगल ए और एंगल बी क्या एक्यूट दे दिया है. तो हम लोग और प्रूफ क्या करना है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूफ करना है. गिवन क्या है? कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी. लेट
ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी मान लो बच्चों, मैंने ट्रायंगल एबीसी मान लिया, एंगल ए ओ बी क्या है एक्यूरेंट, मतलब इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी, और यहाँ से टी जी। अब यहाँ से तो पहले बताओ एंगल ए ए बी सी यहाँ से कोई बन रहा है आपका कोई चीज़, मतलब मेरे का मतलब ये है कि यहाँ से कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो कॉस ए कॉस बी कैसे लिखोगे आप उसके, हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ सी डी ड्रा करते हैं, ए सी डी। अब तो यहाँ से अब गिवेन क्या है, गिवेन है आपका कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, एंड क्या शो करना है या प्रूव दैट, टू प्रूव, टू प्रूव क्या प्रूव करना है बच्चों, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चे छोड़ते हैं करने में, समझ नहीं आता उनको क्या करें, या तो अधूरा कर देते हैं या तो करते हैं मतलब सही से नहीं करते उनको, तो थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, अभी मैं करके बता रहा हूँ आपको। दो मेथड है, मैं एक ही मेथड बताऊंगा आपको जो थोड़ा सा इजी है। तो कॉस ए इक्वल टू, अब कॉस ए इस एंगल डी लेना है, इसको कॉस ए इक्वल टू, तो कॉस ए इक्वल टू कितना होगा बच्चों, कॉस ए इस एंगल के लिए क्या है आपका, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, तो कॉस ए इक्वल टू ए डी, बेस अपान क्या होता है हाइपोटेनस, तो कॉस ए इक्वल टू ए डी, ए डी अपान ए सी इक्वल टू कितना जाएगा क्या था कॉस ए, और कॉस बी क्या है बच्चों, कॉस बी बी डी अपान बी सी, बी डी अपान बी सी। ओके एक काम करो, यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है आपका और एक ये है आपका। ओके अब एक छोटा सा काम यहाँ करते हैं, बी डी हिला दो, ए डी, ए डी अपान बी डी इक्वल टू ए सी अपान बी सी इक्वल टू के मान लो इसको, ठीक है के मान लो इसको, इक्वेशन मान लो आप, चाहे के ना मानो इसको रेशियो रखे हो दिमाग में। नाउ हम लोग ये दो ट्रायंगल देख रहे हैं यहाँ पे, एक ये और ये, तो यहाँ इस ट्रायंगल से देखो आप इसमें पाइथागोरस अप्लाई करते हैं और इसमें, तो देखो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी सी, कौन सा बच्चों ए डी सी, ध्यान से देखते रहिए बस ए डी सी, तो यहाँ पे क्या ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, बच्चों ए सी स्क्वायर प्लस सॉरी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओके यहाँ से थोड़ा अरेंज करो, तो यहाँ से सी डी क्या मिल जाएगा आपका, सी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, इसको इक्वेशन टू मान लो आप। नाउ इन ट्रायंगल इसमें बी डी सी, बी डी सी क्या मिला बच्चों, इसमें भी वही मिलेगा जैसे यहाँ लिखा सी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। बच्चों दोनों इक्वेशन क्या है, दोनों तरफ साइड क्या है सेम है, तो हम दोनों इक्वेशन इक्वेट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड सॉरी टू एंड थ्री। ओके टू एंड थ्री से क्या मिलता है यहाँ पे, दोनों इक्वेट करते हैं, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ओके अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ए सी यहाँ ए डी है, यहाँ से देखो अगर ए सी लिखना चाहूँ, ए सी किसके कर सकते हो आप, सिंपल सा एक मिनट, यहाँ ये देखो अगर ए सी लिखना लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, के बी सी, ए सी इक्वल टू के बी सी का होल स्क्वायर माइनस ए डी, कह सकते हो बच्चों ए डी, इससे ए डी इक्वल टू के बी डी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी क्या हो जाएगा के बी डी, बताता हूँ ऐसा क्यों किया आपको भी, देखो चूंकि यहाँ पे बी सी है यहाँ बी डी है, मैंने ए सी और ए डी को उसको फॉर्म कर दिया, इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, डन।
यहाँ से के स्क्वायर बच्चों कॉमन आ जाएगा, के स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट कॉमन लो तो यहाँ क्या मिला अंदर, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब क्या करो डिवाइड कर दो, तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला आपका, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट बच्चों क्या वन, कि क्या मिला बच्चों यहाँ पे वन। अब आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हैं, के निकाल रहे हैं, बताता हूँ आपको बच्चों, के वन आया यानी ए सी अपान बी सी, बच्चों ए सी अपान बी सी क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। जब आपका ये साइड इक्वल, अब इस ट्रायंगल भूल जाओ बीच वाले पार्ट को, किसी ट्रायंगल का अगर अपोजिट साइड, अगर साइड सेम है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। हेंस यहाँ पे इस फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या बच्चों, ए सी अपान बी सी इज इक्वल टू क्या मिला वन, इम्प्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका बी सी। अब ए सी इज इक्वल बी सी है, आपके दिमाग में बात आ गया कि चमक गया कि क्या कहोगे आप, सर इक्वल साइड क्या होता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड क्या होता है एंगल इक्वल होता है, हेंस यहाँ लिख सकते हो आप, यहाँ पे एक लाइन लिख दो, हेंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, कैसे लिख दो यहाँ पे ब्रैकेट में, ये क्या लिखोगे यहाँ पे, एंगल आप इक्वल अपोजिट एंगल आप इक्वल साइड आर इक्वल, क्या बोला मैंने, एंगल ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ, सॉरी यहाँ आप लिखो बच्चों अपोजिट लिखना, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओके यहाँ पे अपोजिट फुल फॉर्म लिख लेना, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ अगर दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा ये एंगल, ओके हेंस प्रूव, ये आपको प्रूव करना था बच्चों, ये प्रूव करना था। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल का भी यूज हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट केवल यहीं तक था, ये जो गिवन था, गिवन क्या था कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, यहीं से यूज था, बाकी सारा काम ट्रायंगल का था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सिक्स, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेवन में, क्वेश्चन नंबर सेवन कर लेते हैं, सेवन का करते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए फिर करते हैं सेवन, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है बच्चों, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू सेवन बाई एट, क्या है कॉट थीटा इज इक्वल टू सेवन डिवाइड बाई एट, ओके तो पहला फाइंड करना इवेल्युएट, इवेल्युएट क्या करना है पहला वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा फाइंड करना है, और दूसरा पार्ट क्या है बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा पार्ट आंसर तुरंत आ जाएगा आपका, दूसरा पार्ट क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, ओके और बच्चों जो कॉट थीटा दिया है सेवन बाई एट, तो कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा सेवन बाई एट का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हुआ 49/64, दूसरा पार्ट तो हो गया, बचा पहला पार्ट, हमें साइन थीटा फाइंड करना है एंड सॉरी साइन थीटा बात आ रहा है और कॉस थीटा, एक काम करते हैं यह बताओ बच्चों, हाँ कोई बात नहीं सॉल्व कर लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ ए बी सी है, ए बी सी इसे थीटा मान लो, तो बच्चों कॉट थीटा होता क्या है बेस अपान परपेंडिकुलर, यहाँ बेस क्या है ये और परपेंडिकुलर ये, तो बेस कितना है बच्चों सेवन और परपेंडिकुलर कितना है आपका एट, हमें चाहिए क्या ए सी, तो बच्चों ए सी क्या हो जाएगा आपका, ए सी होता है अंडर रूट
इसका स्क्वायर प्लस इसका 8 का स्क्वायर 49 प्लस 64, इसका स्क्वायर रूट कितना है बच्चों 9 प्लस 4 3, 6 प्लस 4 10 प्लस 11 113, यहाँ 113 आया रूट में। ओके बच्चों, यहाँ पे निकाल ले एसी, अब एसी मिल गया, अब बाकी अब सारा गेम इजी हो जाएगा। ए बात बताओ बच्चों, ए प्लस बी ए माइनस बी होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फालतू टाइम वेस्ट करना फायदा क्या, यहाँ लिखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखो डिवाइड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन साइन की वैल्यू कितना आएगा बताओ, साइन थीटा होता क्या बच्चों, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है आपका 8 और हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट 113, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनस, 7 अपन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ओके गाइस सॉल्व करो इसको, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाई यहाँ पे 113 मिलेगा, यहाँ भी 1 माइनस 49 डिवाइड बाई 113, इसका एलसीएम लिया बच्चों 113, यहाँ क्या मिला 113 माइनस 64, सिमिलरली नीचे 113 माइनस 49 अपान 113, ये कट गया। 113 में 64 माइनस को कितना आ जाए बच्चा आएगा, सेम वही 49 आएगा, क्योंकि 49 और 64 का ही तो प्लस है 113, ऐसे यहाँ पे कितना आएगा सॉरी यहाँ पे आपका आएगा 64, ये रहा आपका आंसर, यहाँ से हम बॉर्डर बना दे रहे हैं, ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सेवन्थ का फर्स्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर एट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर एट पे है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे हो जाएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 तो गिवन है बच्चों, इसमें क्या गिवन है सॉरी हाँ कॉट थीटा इक्वल टू कॉट तो हो गया सॉरी बच्चों, हाँ मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर पहले करते हैं कौन सा एट्थ में दिया है 3 cot a इक्वल टू 3 cot a इक्वल टू 4 गिवन है, इसमें प्रूव करना है चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a, यहाँ cot कर देना टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये चेक करना है ये दोनों ए मतलब इसकी इक्वल होता है या नहीं होता है। ओके चेक कर लेते हैं बच्चों, यहाँ 3 कॉट ए इक्वल टू मिल गया हमें 4 बाई दो, तो इस फ्रॉम यहाँ से तो बच्चों कॉट ए इक्वल टू क्या मिलेगा आपका 4 बाई 3, राइट एंगल ट्रायंगल ले लो ए बी सी, ए बी सी कॉट क्या होता है बच्चों बेस अपन का परपेंडिकुलर 4 अपन ये 4 और 3 हो जाएगा बच्चों, ये कितना आएगा कितनी बार करे हो जब भी 3 4 का रेशियो आता है तो ये हाइपोटेनस का 5 होता है, ये कितना आपका 5, इसको आप खुद करोगे मैं नहीं करूँगा आपके लिए। अब बाकी टेन ए कितना हो जाएगा बच्चों, वैल्यू पुट अप कर देते हैं बस, इसको सॉल्व करेंगे एक बार फिर इसको करते हैं, दोनों इक्वल आ गया तो समझो सही है, तो पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को सॉल्व करते हैं इक्वल टू 1 माइनस टेन क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर पान बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 और बेस 4 तो 3 का अब इससे 3 बाई 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे 1 प्लस 3 बाई 4 का होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं यहाँ पे बच्चों 1 माइनस 9 अपान 4 16 अपान 1 प्लस 9 अपान 16, यहाँ पे एलसीएम लिया 16 में से 9 कितना हुआ 7 अपॉन 16 डिवाइड बाई यहाँ पे 25 अपॉन 16, बच्चों 16 कर गया 7 अपॉन 25 आया, अब सेम वैल्यू यहाँ भी आना चाहिए। ओके फाइंड करते हैं अब नेक्स्ट के लिए दूसरे कलर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो,
कॉस ए क्या होगा बच्चों, कॉस ए, इसके लिए कॉस क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, मतलब 4/5 का स्क्वायर माइनस, एंड इसमें क्या होता है बच्चों, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, मीन्स 3/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 16/25 माइनस 9/25 एलसीएम लिया बच्चों 25, एंड 16 माइनस 9 आया आपका 7/25 बच्चों। हाँ, अगर इक्वेशन 1 ले लो इसको, इक्वेशन 2 ले लो, तो यहाँ लिख दो फ्रॉम द एबव, एबव फ्रॉम द एबव बोल दो कि इक्वेशन इसको टू क्वेश्चन, अब लिख देना बच्चों फ्रॉम द एबव इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे हैंस प्रूव लिख देना। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 8, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों।